1976 में मिथुन जी की पहली मूवी आई मृग्या और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी दूसरी मूवी आई दो अनजाने और ये मूवी सेमी हिट रही। 1977 में इनकी तीसरी मूवी आई मुक्ति और ये मूवी एवरेज रही। 1978 में इनकी चौथी मूवी आई हमारा संसार और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई मेरा रक्षक और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1979 में इनकी मूवी आई तेरे प्यार में और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई अमरदीप, भाई साहब इस मूवी में इन्होंने छोटा सा कैरेक्टर किया था। इसके बाद इनकी मूवी आई सुरक्षा और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्रेम विवाह और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई ईमान धर्म और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई तराना और भाई साहब ये मूवी हिट कराना। इसके बाद इनकी मूवी आई हबरी और ये मूवी फ्लॉप रही। 1980 में इनकी मूवी आई आखिरी इंसाफ और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई ख्वाब और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कस्तूरी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सितारा और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई 1920 और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई टैक्सी चोर और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई किस्मत की बाजी और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई पतीता और ये मूवी फ्लॉप रही। बहुत से लोग इसको पपीता समझेंगे। इसके बाद इनकी मूवी आई हम पांच और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई किस्मत और ये मूवी फ्लॉप रही। 1981 में इनकी मूवी आई घमंडी और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मैं और मेरा हाथी और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जीने की आरजू और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हमसे बढ़कर कौन और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई धुआं और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई लापरवाह और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वारदात और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई साहस और ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बेशक और ये मूवी फ्लॉप रही। 1982 में इनकी मूवी आई आमने सामने और ये मूवी हिट रही। 1982 में मिथुन जी की मूवी आई उस्ताजी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई सुकून और ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अशांति और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई तोरे और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हीरो का चोर और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई आदत से मजबूर और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सुन सजना और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तकदीर का बादशाह और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई स्वामी दादा और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई डिस्को डांसर और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। वैसे दोस्तों मिथुन जी की ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी। 1983 में इनकी मूवी आई तकदीर और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई कौन कैसे और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई लाल चुनरिया और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई वो जो हसीना और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई कर्राठे और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई फरेब और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई हमसे है जवाना और ये मूवी हिट रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई मुझे इंसाफ चाहिए और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पसंद अपनी अपनी और ये मूवी हिट रही। 1984 में इनकी मूवी आई वांटेड और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई बॉक्सर और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई सरारा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तेरी बाहों में और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई हंसते खेलते, ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई घर एक मंदिर और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे दोस्तों ये मूवी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई तरकीब और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई बाजी और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रक्षाबंधन और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जाग उठा इंसान और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जिगर और ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई कसम पैदा करने वाले की और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 1985 में इनकी मूवी आई प्यार झुकता नहीं और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई आंधी तूफान और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई चार
मराठी और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई करम युद्ध और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई यादों की कसम और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई गुलामी और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्यारी बहना और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बेपनाह और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आर्या पार और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई माँ कसम और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई करिश्मा कुदरत का और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बादल और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1986 में इनकी मूवी आई दिलवाला और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप करवा डाला। इसके बाद इनकी मूवी आई जाल और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई स्वर्ग से सुंदर और ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बात बन जाए और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अम्मा और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई करमदाता और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई किस्मत वाला और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप करवा डाला। इसके बाद इनकी मूवी आई मुद्दत, ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई नसीहत और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्यार के दो पल और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सीसा और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई एक और सिकंदर और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जिंदगानी और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई ऐसा प्यार कहां और ये मूवी हिट रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई मैं बलवान और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अविनाश और ये मूवी हिट रही। 1987 में मिथुन जी की मूवी आई दीवाना तेरे नाम का और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेरा यार मेरा दुश्मन और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई डांस डांस, ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई परिवार और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हवालात और भाई साहब ये मूवी हिट रही। दोस्तों मिथुन जी की फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है, इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी साल इनकी मूवी आई हिरासत और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वतन के रखवाले और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। वैसे दोस्तों मिथुन जी की ये मूवी मुझे काफी बढ़िया मूवी लगी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई परम धर्म और ये मूवी फ्लॉप रही। 1988 में मिथुन जी की मूवी आई प्यार का मंदिर और ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई चरणों की सौगंध और ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सागर संगम और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रुखसत और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कमांडो और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वतन की आवाज और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई साजिश और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जीते हैं शान से और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई मर मिटेंगे और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अग्नि और ये मूवी भी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई गंगा जमुना सरस्वती और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। हालांकि दोस्तों ये मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। 1989 में मिथुन जी की मूवी आई गलियों का बादशाह और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई मेरी जवान और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई मिल गई मंजिल मुझे और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई 20 साल बाद और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गुरु और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आखिरी बदला और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हम इंतजार करेंगे और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई इलाका और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्रेम प्रतिज्ञा और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। दोस्तों मिथुन जी की ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। इसी साल इनकी मूवी आई गरीबों का देवता और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई मुजरिम और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दाता और भाई साहब ये मूवी भी सुपर हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई आखिरी गुलाम और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हिसाब खून का और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दोस्त और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दाना पानी और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई लड़ाई और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट कराई। इसके बाद इनकी मूवी आई भ्रष्टाचार और ये मूवी एवरेज रही। 1990 में मिथुन जी की मूवी आई प्यार के नाम कुर्बान और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई लहू का बलिदान। दोस्तों इस मूवी के बारे में नहीं पता चल पाया। इसके बाद इनकी मूवी आई
अग्निपथ और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शानदार और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई प्यार का कर्ज और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई पति पत्नी और तबायफ और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हमसे न टकराना और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गुनाहों का देवता और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दुश्मन और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई पाप की कमाई और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप करवाई। इसके बाद इनकी मूवी आई रोटी की कीमत और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 1991 में मिथुन जी की मूवी आई नंबरी आदमी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई प्यार का देवता और ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई शिकारी और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्यार हुआ चोरी चोरी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्रतिज्ञाबाद और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई त्रिनेत्र और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ और ये मूवी एवरेज रही। 1992 में मिथुन जी की मूवी आई साजन साथ निभाना और ये मूवी सेमी हिट कराना। इसी साल इनकी मूवी आई झूठी शान और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई राजू दादा और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई घर जमाई और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दिल आसना है और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पीताम्बर और ये मूवी हिट रही। 1993 में मिथुन जी की मूवी आई योगेंद्र और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई फूल और अंगार और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कृष्ण अवतार और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेहरबान और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई परदेसी और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई आदमी और भाई साहब ये मूवी हिट रही। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मिथुन जी की फिल्मों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, इसीलिए इस वीडियो में सिर्फ आपको हिंदी लैंग्वेज की फिल्मों के बारे में बताया है। इन्होंने कई सारी लैंग्वेज में भी काम किया है। इसी साल इनकी मूवी आई दलाल और भाई साहब ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जीवन की शतरंज और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शतरंज और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई तड़ी पार और ये मूवी एवरेज रही। वैसे दोस्तों तड़ी पार एक गेम भी हुआ करता था, आई होप आप लोगों को पता होगा। 1994 में मिथुन जी की मूवी आई परमात्मा और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई क्रांति क्षेत्र और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई चीता और ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जनता की अदालत और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई नाराज और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई तीसरा कौन और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रखवाले और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई यार गद्दार और ये मूवी फ्लॉप रही। 1995 में मिथुन जी की मूवी आई रावण राज और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जख्मी सिपाही और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई निशाना और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जल्लाद और ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अहंकार और ये मूवी फ्लॉप रही, क्योंकि दोस्तों अहंकार किसी का नहीं चलता। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई अब इंसाफ होगा और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गुनाहगार और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई द डॉन और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। वैसे इस फिल्म को भी मैंने कई बार देखा है। इसी साल इनकी मूवी आई दिया और तूफान और ये मूवी एवरेज रही। 1996 में मिथुन जी की मूवी आई निर्भय और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मुकद्दर और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई जुल्माना और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई भीष्मा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दानवीर और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई अपने दम पर और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अंगारा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप करवा डाला। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई जंग और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रंगबाज और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1997 में इनकी मूवी आई शपथ और ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई जोड़ीदार और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई लोहा और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई कालिया और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई गुड़िया और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दादागिरी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई सूरज और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई जीवन युद्ध और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई क्रांतिकारी और ये मूवी एवरेज रही।
1998 में मिथुन जी की मूवी आई शेर ए हिंदुस्तानी और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई साजिश और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई चांडाल और भाई साहब ये मूवी हिट रही। वैसे ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। इसी साल इनकी मूवी आई हत्यारा और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई उस्ताजो के उस्ताज और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई हिटलर और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई देवता और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई मर्द और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दो नंबरी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई यमराज और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई प्यासी आत्मा। दोस्तों इस मूवी में इन्होंने छोटा सा कैरेक्टर निभाया था। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई हिम्मत वाला और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई गुंडा और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई माफिया राज और ये मूवी डिजास्टर रही। 1999 में मिथुन चक्रवर्ती की मूवी आई हीरा लाल पन्ना लाल और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सिकंदर सड़क का और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई कहानी किस्मत की, ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई गंगा की कसम और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सन्यासी मेरा नाम और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बेनाम, ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आया तूफान, ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई आग ही आग, ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई सेरा। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई फूल और आग, ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई तबाही और ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई माँ कसम और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई सौतेला और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। साल 2000 में मिथुन जी की मूवी आई सुल्तान और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ज्वालामुखी। दोस्तों मिथुन जी की ये मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी थी लेकिन कमाई की वजह से ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई बिल्ला नंबर 786 और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई आज का रावण और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई कुर्बानियां और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई काली टोपी लाल रुमाल और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। हालांकि दोस्तों मिथुन जी की ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई सबसे बड़ा बेईमान और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई जस्टिन चौधरी और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई दादा और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई अग्निपुत्र और ये मूवी डिजास्टर रही। साल 2001 में मिथुन जी की मूवी आई भैरव और ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई खतरों के खिलाड़ी और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जहरीला और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बंगाल टाइगर और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। हालांकि दोस्तों मिथुन जी की ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई बगावत की जंग और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई अर्जुन देवा और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेरी अदालत और ये मूवी फ्लॉप रही। साल 2002 में मिथुन जी की मूवी आई मार्शल और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मवाली नंबर 1 और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेरी प्रतिज्ञा और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हिंदुस्तानी सिपाही और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई कैदी और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद मिथुन जी की मूवी आई सबसे बढ़कर हम और भाई साहब ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई गौतम गोविंदा और ये मूवी डिजास्टर रही। 2003 में इनकी मूवी आई चालबाज, ये मूवी भी डिजास्टर रही। 2005 में मिथुन जी की मूवी आई ऐलान, ये मूवी भी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई कत्लेआम और ये मूवी डिजास्टर रही। साल 2006 में मिथुन जी की मूवी आई चिंगारी और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई इंसाफ की जंग, ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दिल दिया है और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सुन जरा और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। साल 2009 में मिथुन जी की मूवी आई चांदनी चौक टू चाइना और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई जोर लगा के हैया और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई लक और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई चल चले और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बराबर और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई फिर कभी। दोस्तों इस मूवी के बारे में नहीं पता चल पाया। 2010 में मिथुन जी की मूवी आई वीर और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई गोल
गोलमाल 3। और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2012 में मिथुन जी की मूवी आई जिंदगी तेरे नाम, और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई हाउसफुल 2, और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई खिलाड़ी 786, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। 2013 में इनकी मूवी आई बॉस, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2014 में मिथुन जी की मूवी आई किक, और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई इंटरटेनमेंट, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। तो दोस्तों ये था मिथुन चक्रवर्ती की हिंदी फिल्मों की लिस्ट। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप इनकी बंगाली फिल्मों की लिस्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की अभी आधी से ज्यादा फिल्में और हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया है। इन्होंने बॉलीवुड में कई सारी फिल्में करी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।